इनको फीवर आ रहा था, फीवर 103 104 इस तरीके से था। इनको लूज मोशन स्टार्ट हो गया था, खून की इनको वोमिटिंग हुई, तो हम लोग घबरा गए। काफ़ी कंडीशन बहुत सीरियस हो गई थी, मतलब ये अनकॉन्शियस हो रहे थे जो है, यहाँ पर सांस भी उल्टी चलने लगी थी। लेकिन इतना यहाँ का स्टाफ इतना सपोर्टिव था कि उन लोगों ने तुरंत इनको वहीं पर जो है हाथ में ऑक्सीजन का सिलेंडर था उसी से फिर तुरंत इनको ऑक्सीजन बैकअप किया, तुरंत इमरजेंसी में लेकर के गए। फिर वहाँ पर पूरी स्टाफ, यहाँ जो भी डॉक्टर की पूरी टीम थी, पूरी टीम तुरंत से लग गई जो है। 5 5 घंटे में इनको रिकवर किया, फिर आईसीयू में ले शिफ्ट किया गया। फिर सुभान वर्मा सर जो जीआई स्पेशलिस्ट हैं यहाँ के, सर ने एंडोस्कोपी किया, कोलोनोस्कोपी किया, फिर सर ने बोला कि इनको अल्सर हो गया था, तो उन्होंने जो भी उसका ट्रीटमेंट होता है उन्होंने किया। सर मुझे बहुत बारीकी और बहुत पेशेंसली सर समझाते थे, जो भी चीज़ उन्होंने प्रोसेस थी एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी करने से पहले मुझे बहुत धैर्य से उन्होंने समझाया। इनको करीब 3 दिन आईसीयू में रखा गया, और उसके बाद 3 दिन तो इन्होंने कुछ नहीं खाया, लेकिन अब ये खाने पीने भी लगे हैं और लैट्रिन भी काफ़ी सही हो रही है सारी चीज़ें, मतलब अब कोई इन्फेक्शन भी नहीं है और काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। सर हम तो उससे बिल्कुल सेटिस्फाइड थे, और अब तो आपके सर सामने देख रहे बिल्कुल रिकवर है, तब बिल्कुल वो बोल नहीं पा रहे थे, कॉन्शियस नहीं थे, अब ये बिल्कुल रिकवर है, सारी चीज़ें तो सर सामने ही हैं। वो बहुत मतलब सर हम मेरे बेटे का दूसरा ही जन्म है अब।